Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated September 4th, 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. There is nothing important in today's newspaper, so if you want you can skip watching today's analysis. Here the first news is politics over economics in freebie row, call on free food grain awaited. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की गई है, जो कि फ्री फूड ग्रेन स्कीम कोविड डिस्ट्रेस को एलिविएट करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी. तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इट इज़ लाइकली टू बी अ पॉलिटिकल कॉल विद द सिक्स्थ फेज ऑफ द स्कीम कमिंग टू एन एंड दिस मंथ. और इसका एक्सटेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अगर हम यहाँ पर फिस्कल सिचुएशन देखें तो द कंस्ट्रेंट्स आर ऑन द टेबल, एन एक्स्ट्रा आउटफ्लो ऑफ अराउंड ₹2,00,000 करोड़ फॉर द एस्टिमेटेड फूड फर्टिलाइजर एंड कुकिंग गैस सब्सिडीज, जिनके प्राइजेस यहाँ पर ऊपर चले गए हैं आफ्टर मैथ ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. उसके बाद यहाँ पर फ्रीबीज के ऊपर डिबेट भी बहुत ज्यादा चल रही है. द कॉल ऑन एक्सटेंडिंग द फूड ग्रेन सब्सिडी कम्स व्हेन द इशू ऑफ फ्रीबीज हैज टच्ड ऑफ अ हीटेड पॉलिटिकल डिबेट बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर. और इस स्कीम को तो इंट्रोड्यूस किया गया था कोविड स्ट्रेस को एलिविएट करने के लिए. तो अगर अब देखें तो कोविड में जो एक्टिव केस काउंट है वो यहाँ पर 60,000 से नीचे जा चुका है. वैक्सीनेशंस ने भी 200 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है. तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस स्कीम को अब यहाँ पर फेज आउट कर देना चाहिए, क्योंकि फिस्कल बर्डन ये स्कीम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है. ह्यूज इंक्रीज इन फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन, री इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडी ऑन कुकिंग गैस, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है पेट्रोल डीजल एंड कस्टम्स ड्यूटी ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर सीरियस फिस्कल सिचुएशन है. इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस स्कीम को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए. सेकंड न्यूज है क्रिटिसाइजिंग पीएम मोदी इज रिस्की सेज श्री कृष्णा. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली जो पहला ड्राफ्ट की डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था उसको जिसने ड्राफ्ट किया था दैट वाज जस्टिस बी एन श्री कृष्णा. तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए. बाकी इनका स्टेटमेंट ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इन्होंने ये कहा है अंडरलाइनिंग दैट इन अ डेमोक्रेसी द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ये एक फंडामेंटल राइट होता है और कोई इसको मजल नहीं कर सकता. लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये कहा सेइंग टुडे थिंग्स आर वेरी बैड एंड आई मस्ट कन्फेस इफ आई वर टू स्टैंड इन अ पब्लिक स्क्वेयर एंड से आई डू नॉट लाइक द फेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर समबडी माइट रेट मी अरेस्ट मी थ्रो मी इन जेल विदाउट गिविंग मी एनी रीजन. तो जो पहला की डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट था वो इन्होंने ही प्रिपेयर किया था, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा. अब हम चलते हैं आगे. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाया जा रहा है. नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू रेसिडेंस एंड ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, न्यू मिनिस्ट्री बिल्डिंग्स एंड द कन्वर्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को यहाँ पर म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा और नवंबर तक इसको कंप्लीट भी करना है. सॉल्व वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स एमी केबली शाह टू साउथ स्टेट्स. तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सदर्न स्टेट्स को यही कहा है कि जो भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको एमी केबली सॉल्व करने की कोशिश करो. इन हिज एड्रेस एट द 30th सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, जो कि तिरुवनंतपुरम में हुई थी ऑन सैटरडे, इनका यही कहना है कि मेन जो मीटिंग का एम है दैट वॉज रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना और कॉमन नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इशूज़ हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करना. तमिलनाडु की क्या डिमांड है, तो तमिलनाडु ने सेंटर को अर्ज किया है कि एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए जो कि तमिलनाडु के स्पेसिफिक लोकेशंस को कनेक्ट करे विद नेबरिंग स्टेट्स. और ये मूव काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, लेस पल्यूटिंग होगा. सेंटर टू मार्क September 17th एज हैदराबाद लिबरेशन डे. अब September 17th, 1948 को क्या हुआ था. ऑन September 17, 1948, मोर देन वन ईयर आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद, जिसमें यहाँ पर तेलंगाना का पूरा स्टेट आता है एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये लिबरेट हुआ था फ्रॉम द निज़ाम रूल. और ये पॉसिबल हो पाया था ड्यू टू द टाइमली एक्शन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया था ऑपरेशन पोलो. और एक मसाकर भी इससे एसोसिएटेड है जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ भैरनपल्ली मसाकर ऑफ August 27, 1948. तो हैदराबाद को लिबरेट करने के लिए ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया था और
और यहाँ पर कौन सा मसाकर एसोसिएटेड है, दैट इज़ भैरनपल्ली मसाकर ऑफ August 27, 1948. तो सेंटर ने कहा है कि ऑब्जर्व किया जाएगा, सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू मार्क हैदराबाद स्टेट लिबरेशन डे ऑन September 17, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑन सेप्टेम्बर दे हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व September 17 एज तेलंगाना नेशनल यूनिटी डे. तो आपको ऑपरेशन पोलो पता होना चाहिए एंड भैरनपल्ली मसाकर पता होना चाहिए एंड दैट्स इट. अब हम चलते हैं आगे. INS विक्रांत के बारे में कल हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है इसरो शोज न्यू टेक दैट कैन बी यूज फॉर मार्स वीनस मिशंस. अब यहाँ पर क्या नई टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर. इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर, इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने. इसको टेस्ट किया गया है इन अ रोहिणी साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन. बेसिकली पहले ये फोल्ड किया गया था एंड केप्ट इनसाइड द पेलोड बे ऑफ द रॉकेट अकॉर्डिंग टू द इसरो. लेकिन 84 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में ये इन्फ्लेट हो जाता है एंड इट डिसेंडेड थ्रू एटमॉस्फेयर विद द पेलोड पार्ट ऑफ द साउंडिंग रॉकेट. तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये IAD किसका है, किसने बनाया है एंड दैट्स इट. अब हम चलते हैं आगे. यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अ कंसर्न फॉर G20 सेज जयशंकर. With India scheduled to take up the G20 presidency in December 2022 until November 2023, तो हमें मिलने वाली है G20 की presidency. He also said the world has noted India का independent stance रहा है Ukraine conflict में. अब Ukraine कन्फ्लिक्ट के बाद जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया है कि आप यहाँ पर किस साइड हैं. इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इंडिया किसी भी यहाँ पर साइड में नहीं है. तो देर आर जेन्यून चैलेंजेस राइट नाउ गिवन द पोलराइजेशन एंड आई थिंक इन पर्टिकुलर हाउ द रिपरकशंस ऑफ द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट आर प्लेइंग आउट इन डिफरेंट फोरम्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल के प्राइजेज हैं वो यहाँ पर डबल हो चुके हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है. तो जयशंकर एडेड दैट द एंजाइटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज स्ट्रॉन्गर एज दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू डील विद दिस चैलेंज. फिर यहाँ पर बात की गई है कि यूक्रेन के बाद जो वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया है. नाउ इन अ वेरी पोलराइज्ड वर्ल्ड ऑब्वियसली ऑल कंट्रीज़ कम अंडर प्रेशर फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, कि आप यहाँ पर इस साइड हैं या उस साइड हैं. द फैक्ट कि इंडिया ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टांस को मेंटेन किया है, द फैक्ट दैट वी हैव मेड डिसीजंस जो कि हमें सही लगे, हमारे लोगों के लिए हमें सही लगे, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ आर पीपल, दैट इज़ समथिंग द वर्ल्ड हैज़ नोटेड. बाकी चाइना के बारे में यहाँ पर बात की गई, तो चाइना इंडिया के रिलेशंस तभी यहाँ पर बेटर हो सकते हैं अगर चाइना यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट करे, जो कि चाइना नहीं करता है. एवरीबडी वांट्स टू गेट अलोंग विद द कंट्रीज, और वो कंट्री अगर नेबर है तो ऐसे में तो रिलेशंस अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एवरीबडी वांट्स टू गेट अलोंग विद द कंट्रीज स्पेशली इफ दे हैपन टू बी नेबर्स, इट्स सेंसेबल. बट यू वॉन्ट टू गेट अलोंग ऑन रीजनेबल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट. सो द इशू इज नॉट वेदर वी शुड हैव गुड रिलेशंस और नॉट, वी वॉन्ट गुड रिलेशंस, लेकिन गुड रिलेशंस बेसिकली आपके नेशनल इंटरेस्ट के कॉस्ट पर तो नहीं हो सकते हैं ना, एंड इट कांट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्ब बाउंड्रीज. तो यहाँ पर चाइना अगर ये सारी बातें समझेगा तभी यहाँ पर बायलेटरल रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं. हाई कोर्ट कॉशस UP ऑर्डर्स नोटिफाइंग 17 OBC सब कास्ट एज SC. अलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ क्वॉश 2 UP गवर्नमेंट ऑर्डर्स थ्रू विच, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, 17 सबकास्ट OBC को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया था एज शेड्यूल्ड कास्ट. कोर्ट ने ये कहा ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है टू ऐड टू द SC लिस्ट, ये पावर यहाँ पर UP गवर्नमेंट के पास नहीं है. जो आर्टिकल 341 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है, डू नॉट लीव एनी स्कोप फॉर इंक्लूडिंग एनी कास्ट और ग्रुप टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन अ स्टेट प्रोवाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 एक्सेप्ट बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो प्रेसिडेंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद कोई भी एडिशन करना है तो वो यहाँ पर पार्लियामेंट ही करेगी. आर्टिकल 341 सेज दैट एनी चेंज टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, तो यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट्स ऑर्डर की स्पेसिफाइड लिस्ट है उसमें कुछ भी यहाँ पर ऐड करना है तो दैट कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ. आर्टिकल 341 सेज दैट एनी चेंज टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ. तो ये आर्टिकल 341 आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर क्या मेंशन है, द हाईकोर्ट सेड दैट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट लीव एनी स्कोप फॉर इंक्लूडिंग एनी कास्ट और ग्रुप टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. एंड आर्टिकल 341 सेज दैट एनी चेंज टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर वो यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है बाय लॉ. अब हम चलते हैं आगे. तो यहां पर
न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यहाँ पर जो भी मेंशन है, तो यहाँ पर एक मठ था जहाँ पर एक स्वामी जी थे जिनको कि पॉक्सो एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर बसवन्ना के बारे में बताया गया है, तो बसवन्ना के बारे में आप रीड कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द मठ सेट अप इन द 17th सेंचुरी प्रीचेज द आइडियोलॉजी ऑफ बसवन्ना, अ 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया था। तो बसवन्ना के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी के बारे में मेंशन है, तो लिंगायत कम्युनिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा न्यूज़ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर वोट 13.5% रिवील्स इन हाइट्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। व्हाई मराठास नीड कोटा, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द हिंदू सोसाइटी, छत्रपति शाहू महाराज ऑफ कोल्हापुर ने लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए थे फॉर रिजर्वेशन इन द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर इन जुलाई 1902। बेस क्या था रिजर्वेशन का? बेस ये था कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम का प्रेवलेंस था और डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर था जो कि रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। छत्रपति शाहू महाराज रिजेक्टेड दिस ब्रुटैलिटी प्रमाइज्ड ऑन एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, और इन्होंने कहा कि अगर हमें सोशल फ्रेटर्निटी को स्ट्रेंथन करना है हिंदू सोसाइटी में, तो उसके लिए हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ही मेड लॉज दैट ब्रॉट इक्वालिटी बाई गिविंग रिजर्वेशन टू द डाउनट्रोडन, वाइल डूइंग सो ही एक्सक्लूडेड दोज कास्ट एंड क्लासेस जिन्होंने यहाँ पर प्रिविलेजेस को एंजॉय किया है, तो उनको तो बाहर रखा, बाकी यहाँ पर जो डाउनट्रोडन है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। वाइल डूइंग सो ही एक्सक्लूडेड दोज कास्ट एंड क्लासेस हु had enjoyed privileges and progress based on the caste system, for example Brahmins, Kayasth, Shenvis, Parsis, इनको exclude किया गया था from the benefits of reservation. The rest of the caste or classes from all the religion, इनको यहाँ पर include किया गया in the reservation list, और इसमें मराठा caste को भी include किया गया। This was the first reservation जो कि offer किया गया था मराठास को as a backward caste. It means Maratha and the rest of the non-Brahmin caste को यहाँ पर backward तरीके से treat किया गया। The British started collecting censuses in 1878, और इन्होंने record किया था कुनबी को as a caste prevalent in Maharashtra. Later, British government ने divide किया था Indian society को 3 main classes में, SC, ST and the rest as intermediate class. फिर बाद में क्या करते हैं, जो मराठास है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है 1950 के लिस्ट से बिना उनको कोई सब्सटेंशियल रीज़न प्रोवाइड किए हुए। सिंस देन तब से यहाँ पर मराठा ऑर्गेनाइजेशंस रिजर्वेशन को डिमांड कर रही हैं। इन 1991 द मराठा सेवा संघ डिमांडेड एन OBC स्टेटस फॉर द मराठास। फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट कमीशंस वर ऑल्सो अपॉइंटेड टू स्टडी द इशू विदाउट एनी कंक्लूसिव रिजल्ट्स। द रीजन्स आर मेनली पॉलिटिकल एंड नॉट सोशल और लीगल। और ऑथर का ये कहना है कि मराठा में हमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिला जो कि फेवर में हो मराठा के OBC रिजर्वेशन को। अभी ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। प्रेजेंटली द इशू ऑफ मराठा रिजर्वेशन इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। मराठा कौन होते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजिकली देयर इज नो सिंगुलैरिटी इन मराठा। मराठा एक कॉन्फेडरेशन है सेवरल मराठी स्पीकिंग कास्ट की, इन एडिशन टू द लैंग्वेज। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो खुद को मराठास की तरह डिफाइन करते हैं। 16th सेंचुरी के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्टैब्लिश किया था राज जिसको कि कहा गया मराठे शाही, मतलब रूल ऑफ द मराठास। दिस इवेंट लेड टू द सेपरेशन ऑफ मराठास एज अ रूलिंग एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कास्ट, जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि अब तो यहाँ पर सोशली और यहाँ पर उनको डेवलप्ड कास्ट कंसिडर कर लिया गया। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो यहाँ पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पर दिया जाता है, एंड मराठास आर ट्रीटेड एज सोशली फॉरवर्ड। हाउएवर नो स्पेशल ड्राइव वॉज अंडरटेकन कि मराठास को क्यों ऐसे अपग्रेड कर दिया गया, ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन अ वर्डिक्ट दैट हेल्ड दैट अ वर्किंग वुमेन कांट बी डिनाइड हर स्टैट्यूटरी राइट टू मैटर्निटी लीव फॉर हर बायोलॉजिकल चाइल्ड, अगर पहले उसने इस टाइप चाइल्ड के लिए यहाँ पर मैटर्निटी लीव ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजिकल चाइल्ड के समय आप उसको मैटर्निटी लीव नहीं दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है बेसिकली फैमिली डायनेमिक्स इंडिया में चेंज हो रहे हैं तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होने की ज़रूरत है। इन अ वर्डिक्ट दैट हेल्ड दैट अ वर्किंग वुमेन कांट बी डिनाइड हर स्टैट्यूटरी राइट टू मैटर्निटी लीव फॉर हर बायोलॉजिकल चाइल्ड जस्ट बिकॉज शी अवेल्ड ऑफ इट फॉर हर स्टेप चाइल्ड अर्लियर, द सुप्रीम कोर्ट मेड सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स इन इंडिया। द SC एक्नॉलेज दैट ए टिपिकल फैमिलीज, सिंगल पेरेंट्स, अनमेरिड पार्टनरशिप्स एंड क्वेर रिलेशनशिप्स आर डिजर्विंग ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द लॉ एंड ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर सोशल वेलफेयर रेगुलेशंस। इंडिया पिप्स UK टू बी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, तो हम बन चुके हैं 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और हमने UK को कर दिया है सरपास। तो इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकॉनमी आफ्टर इट ओवरटुक द यूनाइटेड किंगडम इन एंड मार्च 2022। और यहाँ पर नॉमिनल कैश टर्म्स में जो हमारी इकॉनमी है दैट इज़ $854.7 बिलियन और UK की है $816 बिलियन।
अगर पॉपुलेशन साइज़ देखें तो हमारी पॉपुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग 1.41 बिलियन है और यूके की 68.5 मिलियन है। तो हमारी पॉपुलेशन 20 गुना ज़्यादा है यूके से, लेकिन यूके हमसे ज़्यादा अमीर है क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा यूके की हमसे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो जीडीपी को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा हमारी यहाँ पर जीडीपी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है। सिंस देयर इज सच अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द टू कंट्रीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा प्रोवाइड्स अ मोर रियलिस्टिक कंपैरिजन ऑफ इनकम लेवल्स बिकॉज इट डिवाइड्स अ कंट्रीज जीडीपी बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। और हमारी जो इनकम है एवरेज इंडियन की, वो बहुत ज़्यादा कम है अगर हम यहाँ पर एक यूके के पर्सन से कंपेयर करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी यूके हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। एचडीआई इज़ अ कॉम्पोजिट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैरामीटर्स। डिस्पाइट इट्स सेकुलर इंप्रूवमेंट, इंडिया में स्टिल टेक अ डेकेड टू बी वेयर यूके, जहाँ पर 1980 में था ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें यहाँ पर डेकेड लगने वाला है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स इज मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 100 बेस्ड ऑन द एवरेज कवरेज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो ये भी, इसमें भी यूके हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो बेसिकली हम यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन यूके हमसे इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा आगे है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हार्पून एयर टू सी मिसाइल्स दिया जाएगा बाय द यूएस टू द ताइवान, एंड हार्पून एयर टू सी मिसाइल्स एंड $85 मिलियन फॉर साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल्स। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एंड दैट्स इट। आर्टेमिस इनका वापस से फेल हो गया, जा नहीं पा रहा है यूएस का। नेक्स्ट है रशिया वेस्ट स्टेप अप एनर्जी वॉर एज यूएन एक्सपर्ट्स इंस्पेक्ट न्यूक्लियर साइट। स्टेपिंग अप एन एनर्जी वॉर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। तो रशिया और वेस्ट के बीच में एनर्जी वॉर यहाँ पर चल रहा है। मॉस्को हैज़ अनाउंस्ड इट विल कीप इट्स मेन गैस पाइपलाइन टू जर्मनी शट। तो मॉस्को ने बेसिकली यही कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम वन गैस पाइपलाइन से अभी भी हम यहाँ पर गैस नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो ये सोच रहे हैं कि रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक प्राइस कैप लगा दिया जाए। तो रशिया ने भी कह दिया ठीक है, आप प्राइस कैप लगाने की सोच रहे हो, हम यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे। ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू टेम सोरिंग गैस प्राइसेस, यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैड एक्सपेक्टेड द नॉर्ड स्ट्रीम वन पाइपलाइन की रिज्यूम हो जाएगी, लेकिन रशिया ने बोला कि अभी रिज्यूम नहीं हो पाएगी, बीच में थोड़ा ऑयल लीक हो गया है जिसकी वजह से हम अभी रिज्यूम नहीं कर रहे हैं। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया। तो फर्स्ट न्यूज़ हमने रीच की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर हम फिस्कल मैथ्स में देखें तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होने वाला है, तो ऐसे में इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये कोविड डिस्ट्रेस को एलिवेट करने के लिए थी, अब कोविड डिस्ट्रेस यहाँ पर है नहीं, इसीलिए इस स्कीम को यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। जो पहला यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था उसको ड्राफ्ट किया गया था बाई जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर सेंट्रल विस्ता के रिवैम्प की बात की गई है। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए, सदर्न स्टेट्स को ये सारी बातें कही गई सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग में। फिर यहाँ पर September 17, 1948 को ऑपरेशन पोलो के अंदर हैदराबाद को लिबरेट किया गया था, और एक मसाकर भी इससे रिलेटेड है, दैट इज़ भैरनपल्ली मसाकर, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अब हम चलते हैं आगे। तो इसरो ने यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट किया है जिसका नाम है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्सिलरेटर, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Do not leave any scope for including any caste or group to the list of the SC in a state provided by the constitution except by a law made by parliament. तो ये काम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। आर्टिकल 341 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर में कुछ भी यहाँ पर करना है तो पार्लियामेंट कर सकती है बाई लॉ। आर्टिकल 341 says that any change to the list of scheduled caste specified in the president's order can only be made by parliament by law. फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी के बारे में आपको स्टडी करना है, बसवन्ना की आइडियोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना है, ये आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं आगे। Why Marathas need quota? ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कोई भी आर्टिकल नहीं था तो ये आर्टिकल हमने एक बार डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट द हैप्पी फैमिली, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट यही दिया है कि अगर स्टेप चाइल्ड के दौरान यहाँ पर मेटर्निटी लीव ली थी तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल चाइल्ड के दौरान आप यहाँ पर मेटर्निटी लीव नहीं प्रोवाइड करोगे, क्योंकि फैमिली डायनेमिक्स इंडिया में भी चेंज हो रहा है। इंडिया यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, यूके को सरपास कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यूके से अच्छा होगा, क्योंकि यूके की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से उनकी जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस। अब हम चलते हैं आगे। हार्पून, तो हार्पून यहाँ पर यूएस दे रहा है ताइवान को। फिर यहाँ पर रशिया ने यह बोला है कि नॉर्ड स्ट्रीम वन जो गैस पाइपलाइन है वो रिज्यूम नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और वैसे भी यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर कैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया जो है वो एंग्री हो चुका है। रशिया ने बोला हम यहाँ पर गैस सप्लाई नहीं करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।